आखिर क्यों भीष्म पितामह ने शादी नहीं की और आखिर क्यों पड़ा उनका नाम भीष्म पितामह, क्यों मिली थी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान और क्यों है महाभारत जैसी ग्रंथ हमारे लिए बेहद जरूरी, इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाए तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी युद्ध यानी कि महाभारत के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके लिए है एक सवाल जो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और जिसका जवाब हम आपको वीडियो के आखिर में देंगे। और आपका सवाल है कि आखिर करण किसके पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है महाभारत के राधे यानी कि कर्ण किसके पुत्र थे। और अगर जवाब नहीं पता हो तो घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इसका उत्तर देंगे। दोस्तों, भागवत गीता महाभारत का वह हिस्सा है जहां हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिए ज्ञान और दिशा निर्देश से काफी कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक कथाएं हमारे जीवन के विचारधारा को बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। यूं कहें तो समय समय पर जब भी इस नश्वर संसार में पाप बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं और संसार का उद्धार करते हैं। महाभारत युद्ध भी संपूर्ण सृष्टि के उद्धार हेतु श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। महाभारत एक स्त्री के अपमान के बदले के लिए जरूरी था ताकि आने वाले पीढ़ियां फिर कभी ऐसा दुस्साहस ना कर सके। महाभारत शकुनी और दुर्योधन जैसे पापियों के खात्मे के लिए जरूरी था। महाभारत इसलिए भी जरूरी था ताकि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो सके और संपूर्ण भारत वर्ष उसके शासन में खुशहाल रह सके। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर भीष्म पितामह ने शादी क्यों नहीं किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पितामह एक ऐसे प्रतिभक्त पुत्र थे जिन्हें अपने पिता के विवाह कराने के लिए आजीवन अविवाहित रहना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यही कारण था उनके विवाह न करने का। आइए जानते हैं इसे संक्षेप में। जब देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह माँ गंगा के पास रहते थे जो कि उनकी माता है, महर्षि परशुराम के संरक्षण में वह अस्त्र शस्त्र सहित सभी विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं, तब माँ गंगा उन्हें उनके पिता सीनापुर के सम्राट यानी कि महाराज शांतनु को सौंप देती है और देवव्रत अपने पिता के साथ रहकर राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। एक दिन जब महाराज शांतनु अखेट करने वन गए थे तो वहाँ विचरण करते वक्त उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। जब उस सुगंध का पीछा करते हुए वह आगे बढ़े तो उन्हें एक अतीव सुंदर युवती मिली जिसके शरीर से वह दिव्य सुगंध निकल रही थी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वह एक मलाह जाति की युवती थी और जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती के असाधारण रूप लावण्य पर मोहित होकर शांतनु ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सत्यवती ने पिता की आज्ञा मिलने पर ही विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की बात कही। राजा सत्यवती के पिता के पास गए और सत्यवती के पिता अपनी कन्या का विवाह शांतनु के साथ करने के सामने यह शर्त रखी कि विवाह के पश्चात शांतनु सत्यवती की भविष्य में होने वाली संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित करने का वचन अभी इसी समय दे। लेकिन भीष्म से अत्यधिक स्नेह होने के कारण महाराज शांतनु सत्यवती के पिता को यह वचन नहीं दे सके और उदास मन से हस्तिनापुर लौट आए। शांतनु हस्तिनापुर महल में वापस आकर उदास रहने लगे। उन्होंने राजकाज के कार्यों में रुचि लेना बंद कर दिया था और अपने कक्ष में ही बंद होकर एकाकी जीवन बिताने लगे और देवव्रत को उनकी इस अवस्था का कारण बार बार पूछने पर भी उन्होंने देवव्रत को कुछ भी नहीं बताया। तब देवव्रत ने मंत्रियों से इसका कारण का पता लगाया और तुरंत ही सत्यवती के पिता के पास पहुँचे और उससे उसकी कन्या का हाथ अपने पिता के लिए मांगा। सत्यवती के पिता द्वारा अपनी शर्त बताने पर देवव्रत ने वहीं पर सभी देवी देवताओं आकाश जल
अग्नि वायु और सभी दिशाओं को साक्षी मानकर जीवन पर्यंत अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। उनकी इसी प्रतिज्ञा से हर्षित और निश्चिंत होकर सत्यवती के पिता ने अपनी कन्या को हस्तिनापुर ले जाने की शहर स्वीकृति देवव्रत को प्रदान कर दी। तत्पश्चात देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर अपने पिता के सम्मुख लेकर गए और पिता से सत्यवती के साथ विवाह करने की प्रार्थना की। अपने पुत्र को पितृ भक्ति और त्याग देखकर महाराज शांतनु भाव विहोल हो गए और उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा और बाद में पांडव और कौरवों का पितामह होने के कारण भीष्म पितामह। महाभारत पर कई तरह के फिल्मों को फिल्माया गया है और कई टीवी सीरियल्स भी काफी लोकप्रिय रही है। ऐसे में महाभारत पर एक बार फिर बॉलीवुड के द्वारा फिल्म बन रही है, जिसका पहला भाग दिसंबर में आ सकता है, जो कि ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भीष्म पितामह के किरदार को निभाएंगे और बाकी की कास्टिंग हमने आपको पहले भी बताया है। आप चाहे तो हमारे पहले वीडियो में जाकर बाकी की कास्टिंग लिस्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। और वीडियो खत्म करने से पहले हमने आपसे वीडियो के शुरुआती दौर में एक सवाल पूछा था कि आखिर कर्ण किसके पुत्र हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों कि कर्ण महारानी कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण सूर्य पुत्र थे और क्योंकि वह कुंती के विवाह के पूर्व के पुत्र थे, इसलिए उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है कि महाभारत फिल्म कितनी बड़ी हिट होने वाली है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।